हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ साबूदाने की खीर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये एकदम से इजी रेसिपी है। इसे आप किसी भी फास्ट में या किसी भी फेस्टिवल पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ मीडियम साइज़ वाले 3/4 कप साबूदाने लिए हैं। इनको हम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने साबूदाने को 2 बार पानी में अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। वैसे साबूदाने को पानी के अंदर भिगोया जाता है, पर आज हम इसे दूध के अंदर भिगोएंगे। अब हम साबूदाने के अंदर दूध को डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से डिप कर देंगे। हमने इसके अंदर उतना ही दूध डाला है जितने में साबूदाने आसानी से डूब जाए। वैसे आप इसके अंदर दूध की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। हम 2 घंटे बाद में साबूदाने को चेक करेंगे। देखो, हमारे साबूदाने अच्छे से फूल चुके हैं। हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं। देखो, ये आसानी से टूट रहा है। अब हम कढ़ाई में 1.5 लीटर जितना दूध डालेंगे। हमने यहाँ नॉर्मल दूध यूज़ में लिया है। आप पैकेट वाला भी यूज़ में ले सकते हैं और दूध की मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दूध यूज़ में ले रही हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा कर ले। हम इसके अंदर मावा डालेंगे, इसलिए हमने दूध थोड़ा कम डाला है। अब इसे गर्म करेंगे और इसे लगातार बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम मावा ऐड करने वाले हैं। अगर आप मावा नहीं डाल रही हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से गाढ़ा कर लें। अब इसके अंदर हम साबूदाने को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। गैस को लो टू मीडियम रखें और बीच बीच में इसको चेक करते रहें और चलाते रहें ताकि नीचे चिपके नहीं, वरना हमारी खीर ख़राब हो सकती है। साइड के कॉर्नर को भी हम साथ साथ में स्क्रैच करते रहेंगे ताकि साइड में दूध ज़्यादा ना चिपके। हमारे चैनल की और रेसिपी देखने के लिए या फास्ट रेसिपी देखने के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखो, हमारे साबूदाने फूल चुके हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं। हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। साबूदाने की खीर आसानी से थोड़ी देर के अंदर बनके तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर हम मावे को ऐड करेंगे। ये घर का बना हुआ है और ये मीठा है, इसलिए हम इसके अंदर चीनी थोड़ी कम डालेंगे बाद में। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने बादाम, काजू और चिरौंजी डाला है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इनकी मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी खीर हल्की हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। अब इसको हम ज़्यादा देर और नहीं पकाएंगे क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ये थिक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। हमने मावा मीठा डाला है इसलिए चीनी थोड़ी कम ही डाल रहे हैं। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। उन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। देखो, ये हल्की हल्की गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। आप इसके जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं या इसे स्किप कर सकते हैं। बस इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब ज़्यादा नहीं पकाना है। ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा और थिक हो जाएगी। लो जी, हमारी केसरिया साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।